एक बात को बड़ी गौर से देखा, वो ये देखा कि मेरे बाबा मेरे सुसर जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान फरमाती है वो मुझसे नाराज नाराज रहने लगे, हवा हवा से रहने लगे, नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इलेक्शन में चीफ मुझे ये बोल रहे हो ता तमाशा रसूल के आला देखो नारे तकबीर इस बंदे को लग रहा है माशाल्लाह नारे तकबीर खुशबख्ती है हमारी आज की इस महफिल पाक में जहां उलमाए कराम तशरीफ लेकर आए वहीं पे पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहेब सैयद अशरफ महमूद खलीफे मजाज दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ आप तशरीफ लेकर आए और आज की इस महफिल पाक में बतौर खास पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी और आदि अली पीर सैयद मैं बच्चों को बिलखसूस कहूँगा भाई ये थोड़ा पीछे हो जाए, सादात कराम की ज्यादा करने के लिए वो लोग पीछे पसे बैठे हैं, वो लोग पीछे बैठे हैं, वो आगे तशरीफ लेकर आए महफिल के अदब आदाब को बंदों के खातर रखिए, छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, आप जब किला शाह साहब की गुफ्तगू को समाप्त करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस मियार की गुफ्तगू फरमाते हैं। कुरान व हदीस को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अजमत वान देने मुस्तफा को जब बयान फरमाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह कलब और हाथ बनकर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ वो सवाल हजरत किबला पीर साहब के तारुफ से कबल अपना दावत ही हजरत किबला पीर साहब को देने लगा, इसलिए कोशिश फरमाइए जो दोस्त पीछे बैठे हैं वो आगे आगे तशरीफ लेकर आए, बड़ी मेहरबानी, और जो दोस्त खड़े वो भी कोशिश फरमाए अदब और मोहब्बत के साथ बैठ जाए, जितने दोस्त सवाल खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी अदब के साथ मोहब्बत के साथ बैठ जाए, जो दोस्त बाहर खड़े हैं वो भी आ जाइए भाई, आइए अदब के साथ बैठ जाइए, पीर तरीकत रहबर शरीयत मबा इल्म हिकमत आले नबी औलादी अली पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब जीद अशरफ महमूद जो कि वारिस अपने बाप दादा के उलूम के और बिल यकीन